गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। देश के प्रधानमंत्री ने रखी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला। देश के लिए 5 अगस्त का दिन हुआ स्वर्णिम और ऐतिहासिक। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कहा, करोड़ों देशवासियों की मुरादें हुई पूरी, जल्द तैयार होगा भव्य राम मंदिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद लखनऊ से गोरखपुर तक रही धूम। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने मनाया दीप उत्सव। की आतिशबाजी, किया खुशी का इजहार। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के उपलक्ष्य में सदर सांसद रवि किशन के सिंघरिया स्थित आवास पर आयोजित हुआ सुंदरकांड का पाठ। कहा, सदियों तक याद रखा जाएगा आज का दिन। गोरखपुर न्यूज चैनल के दर्शकों को दिया साधुवाद। गुलेरिया थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से इलाके में मची सनसनी। पति पत्नी की फावड़े से काट कर की गई हत्या। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, बहुत ही जल्द हत्यारे होंगे पुलिस की गिरफ्त में। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई एमओआईसी और रैपिड एक्शन टीम की बैठक। कहा, टीम भावना के साथ करे कार्य, शिथिलता बर्दाश्त नहीं। गुलेरिया थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर में हुए डबल मर्डर स्थल का डीआईजी रेंज ने किया निरीक्षण। घटना के जल्द खुलासे के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। रामगढ़ताल थाना की पुलिस ने एक अंतरजनपदीय शातिर अपराधी को देशी तमंचा के साथ किया गिरफ्तार। सीओ कैंच ने कहा, स्थानीय थाने के टॉप 10 लिस्ट में शामिल था अभियुक्त, भेजा गया जेल। गोरखनाथ पीठ में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम को देखा गया लाइव। शाम को मनाया गया दीपोत्सव। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम का सीडीओ ने किया निरीक्षण। बताया, व्यवस्था को और अधिक किया जाएगा सुदृढ़। राम मंदिर के भव्य निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखने के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया यज्ञ हवन और भजन कीर्तन। श्री रामचंद्र के जय घोष के लगाए गगनभेदी नारे। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर दवा विक्रेता समिति ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशियों का इजहार। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद। गोरखपुर जिले में बुधवार को मिले 81 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2795। इनमें 64 कोरोना संक्रमितों की हो चुकी है मौत, जबकि 977 लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। एक्टिव केस की संख्या हुई 1283। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। सदर सांसद रवि किशन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं बंधों का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों में बांटा राहत सामग्री। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर विहिप कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर दीप जलाकर और आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। कहा, मंदिर बन जाने से सभी समाज का होगा कल्याण। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने चोरी व लूट की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीओ कैंच ने कहा, लूट व चोरी की घटना को देता था अंजाम, भेजा गया जेल। और निर्मला पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई पार्टी के नए कार्यकारिणी की बैठक। संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा।